गुस्से से ही आग बबूला जो ही मैडम है, ये डीएम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की डीएम है, जिसके गुस्से से तमतमाते हुए ये 48 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। डीएम मैडम का खतरनाक गुस्सा जो कि एक फरियादी पर उतर रहा है, लेकिन क्यों, आप भी ये जानना चाहते होंगे। उससे पहले आइए देखते हैं ये वायरल हो रहा वीडियो। देखा आपने कि कैसे मैडम साहिबा धक्का लगते ही कैसे उस व्यक्ति के ऊपर फायर हो गई, इतने सारे लोगों के सामने उस व्यक्ति पर तमाचा जड़ दिया, गाल पर हाथ ही रसीद कर दिया, इतना नहीं कि उस शख्स पर बोलती ही बंद हो गई। मैडम बोली कि दिखता नहीं है कि एक औरत खड़ी हुई है, तुम्हारा दिमाग खराब है, महिला खड़ी है और तुम धक्का मुक्की करके आगे बढ़ रहे हो, कौन है तू। चलिए आपको बताते हैं कि ये मामला कब और कहां का है। जानकारी के मुताबिक फतेहपुर में जिलाधिकारी इंदुमती सोमवार को कुछ सरकारी दफ्तरों में औचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गई, तो वहां हालात का जायज़ा ले रही थी, तभी एक फरियादी डीएम के पीछे से निकला, इस दौरान हल्का सा धक्का डीएम को लग गया, उसके बाद तो डीएम का गुस्सा देखने लायक था। फरियादी को एन सिर्फ थप्पड़ मारा, साथ ही साथ फटकार भी लगा दी और तू तड़ाक पर उतर आई, जबकि इस तरह की भाषा अधिकारी पद पर बैठे किसी को भी शोभा नहीं देती। खैर, जिलाधिकारी इंदुमती जी को क्या ही पता था कि वो निरीक्षण कर रही हैं तो वहाँ वीडियोग्राफी हो रही है, जिसमें उनकी हरकत भी कैमरे में कैद हो जाएगी। अभी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को देख कर बहुत शेयर कर रहे हैं। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं, जिसमें से एक शख्स ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्काल इस मामले का संज्ञान लिया जाए ताकि डीएम के कृत्य ठीक नहीं लग रहे, व्यक्ति घूम रहा था तो गलती से धक्का लग गया, इसमें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।